हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑन इपानेट सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉल्व के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ जो ये रेड बटन दिख रहा है इसको क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सब्सक्रिप्शन का कोई चार्जेज नहीं है और सब्सक्राइब करने के बाद ये जो बेल आइकन है इसको भी प्रेस करके रखिए ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो फ्रेंड्स, वॉल्व कितने टाइप के होते हैं? तो इसमें आप देख रहे हो कि पहला जो वॉल्व है वो पीआरवी वॉल्व है, ये प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व है। तो ये जो भी डाउनस्ट्रीम रहेगा जहाँ पे आप जिस लिंक के बीच में इसको कनेक्ट करोगे तो उसके डाउनस्ट्रीम में ये प्रेशर मेंटेन रखेगा। और जो पीएसवी वॉल्व है ये प्रेशर सस्टेनिंग वॉल्व है, तो ये अपस्ट्रीम में प्रेशर मेंटेन रखेगा। और पीबी जो है ये प्रेशर ब्रेकर वॉल्व है, तो ये वैसे फिजिकली कोई ऐसी एंटिटी नहीं होती, लेकिन अगर कहीं सिस्टम के अंदर प्रेशर लॉस अगर एग्जिस्ट करता है, आपको पता है यहाँ पे प्रेशर लॉस हो रहा है किसी वजह से, तो वहाँ पे आप इस प्रेशर को, इस जो प्रेशर वॉल्व है वो आप इसमें लगा के आप सिमुलेशन कर रन कर सकते हो। उसके अलावा जो नेक्स्ट है वो एफसीवी है, फ्लो कंट्रोल वॉल्व। तो फ्लो कंट्रोल वॉल्व एक्चुअली क्या करता है कि उस पर्टिकुलर लिंक के अंदर फ्लो को कंट्रोल करता है। मीन्स अगर आपका फ्लो इस सेटिंग से अगर अबो है तो ये उसी जो सेटिंग के फ्लो है वहाँ तक कंट्रोल करके रखेगा, अगर उसके बिलो हो जाता है तो ये कम्प्लीटली ओपन हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है वो टीसीवी है, ये है थ्रोटल कंट्रोल वॉल्व। तो ये एक्चुअली क्या करता है कि जो हेड लॉस का जो कोफिशियंट है उसको मैनिपुलेट करता है। उसके अलावा जो नेक्स्ट है वो जीपीवी, तो जनरल पर्पज वॉल्व है। तो ये फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि यूज़र अगर कुछ स्पेशल फ्लो अगर सप्लाई करता है तो उसमें जो हेड लॉस का फॉर्मूला है वो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला उससे ये कैलकुलेट नहीं करेगा, उसके लिए आपको हेड लॉस कर्व देना पड़ेगा। तो उसी कर्व के अकॉर्डिंग ये हेड लॉस कैलकुलेट करेगा। और नेक्स्ट जो है गेट वॉल या शट ऑफ वॉल कह सकते हैं या शट डाउन वॉल, तो वो वॉल अलग से इसमें नहीं दिया हुआ है, वो आपको जो लिंक है या पाइप है उसी की प्रॉपर्टी में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको ओपन या क्लोज आप उसका स्टेटस डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलते हैं इपरनेट सॉफ्टवेयर की ओर। तो आप देख रहे हो जैसे मैंने ये दो नोड के बीच में जंक्शन 13 और जंक्शन 3 के बीच में मैंने वॉल कनेक्ट कर रखा है। तो इसकी आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो इसके टाइप में आप देखोगे कि पीआरवी है, तो पीआरवी है। और इसका मैं इसको मैं यहाँ पे सेटिंग इसकी 10 रखता हूँ, उसके बाद इसको रन करवा के देखता हूँ। तो आप देखोगे कि यहाँ जो अभी प्रेशर है वो 18.69 है 0 आर्स पे, और इसका प्रेशर आप देख लीजिए कि ये 10 मेंटेन करा है। इसके बाद आप इसको देखते रहिए कि कहाँ पे ये 10 की बिलो आता है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 10 की बिलो आ गया, तो ये जो है ये कंप्लीट ओपन हो गया और इसका प्रेशर जो है 9.3 हो गया। और इसको बैक करके देखोगे आप 8 पे, तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक्टिव है, ये 10 प्रेशर मेंटेन कर रखा है। उसके अलावा जो नेक्स्ट है वो पीएसवी है, ये प्रेशर सस्टेनिंग वॉल है। तो ये आपका जो अपस्ट्रीम है इसका प्रेशर मेंटेन रखेगा। उसके अलावा जो पीबीवी है ये प्रेशर किसी पर्टिकुलर, जैसे मैं अगर इस पर इसकी सेटिंग 2 पे रखता हूँ तो ये नेगेटिव प्रेशर उसी की वजह से आ रहा है। इसकी सेटिंग मैं 1 कर देता हूँ, फिर भी एक जगह नेगेटिव आ रहा है, लेकिन अभी इसको छोड़िए यहाँ पे। तो आप इसको देखोगे कि एक से प्रेशर रिड्यूस कर देगा, तो यहाँ 18.69 है, तो आप यहाँ पे देखिए कि 17.69 है। तो इस तरह से आप इसको अगर डाउन में चलते हो तो जहाँ पे 19 में इसका प्रेशर 1.02 है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 1.0, सिर्फ 0.02 ही है, इसी वजह से ये नेगेटिव आ रहा है। उसके बाद इसी आर के बीच में कहीं पे नेगेटिव हो रहा है, फिर पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है क्योंकि पंप स्टार्ट हो गया उसके बाद में। तो फ्रेंड्स, जो ये एफसीवी वॉल्व है तो ये फ्लो को कंट्रोल करके रखेगा। तो इसकी अगर सेटिंग 0.02 है तो ये 0.02 से अब वो जो डाउन स्ट्रीम की लिंक है उसके अंदर फ्लो नहीं होने देगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे आप इसके अंदर आप इसमें देखिए कि फ्लो, जैसे फ्लो यहाँ पे आप देखिए कि 0.03 चल रहा है, लेकिन ये इसकी डाउन स्ट्रीम लिंक में अगर आप देखोगे इसमें फ्लो ये 0.02 से अब वो नहीं होने देगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो नेक्स्ट वॉल्व है, तो फ्रेंड्स इसके बाद जो नेक्स्ट वॉल्व है वो है थ्रोटल कंट्रोल वॉल्व। तो इसमें जो लॉस कोफिशिएंट है उसको मैं 500 कर देता हूँ, उसके बाद आप रन करवाता हूँ। तो इसमें आप देखोगे रन करके कि
कि यहाँ पे 12.90 प्रेशर है, तो आप डाउनस्ट्रीम नोड पे आप देखोगे तो यहाँ जो प्रेशर है वो 12.43 है। तो इसने जो वॉल्व है उसने जो हेड लॉस था उसको मैं मैनिपुलेट किया है, एडजस्ट किया उसको। अगर इसको आप जीरो कर देते हो यहाँ पे, तो आप उसके बाद अगर आप देखोगे कि यहाँ पे 12.9 था तो इसमें भी 12.9 ही है। तो इस तरह से, और इसके बाद जो नेक्स्ट है फ्रेंड्स वो है जनरल पर्पज वॉल। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सेटिंग में कर्व आईडी देनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे कर्व के अंदर आप देख रहे हो कि 2 नंबर कर्व है, तो इसको आप देख रहे हो कि ये मैं हेड लॉस कर दे रखा है इसको, कि प्लो अगर 0 MLD है तो उसका हेड लॉस 0 होगा, उसके बाद अगर 0.5 MLD है तो हेड लॉस 1.5 है, फिर 1 है, फिर 1.5 है, 3.5 और 6 है। तो ये इसके अकॉर्डिंग हेड लॉस है वो कैलकुलेट करेगा। तो इसको आप एक बार रन करवा लीजिए, उसके बाद अगर इसको आप 5 पे जाके देखते हो, अगर आप 7 आवर्स पे देखते हो 12.90 है, तो आप इसका देखोगे कि 12.81 है। उसके अलावा फ्रेंड्स आप जो शटडाउन वॉल है वो यहीं से आप इनिशियल स्टेटस यहां से आप ओपन या क्लोज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज हमने वॉल के बारे में सीखा। तो इस तरह से आप अपने मॉडल के अंदर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह आप अलग अलग टाइप के वॉल कनेक्ट करके आप सिमुलेट करके देख सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप इस चैनल पे नए हो और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ टेक इनफो हब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस करके रखिए, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड हो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप वीडियो मिस ना कर सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।